फिर दोस्तों एक क्वेश्चन ऑप्शन है ऐसे सीरीज नहीं। देखिए यहाँ पे रूट में 10 है प्लस रूट 25 है प्लस रूट 108 है प्लस रूट 154 है प्लस रूट 225 है, इसका मान क्या होगा? 10 6 8 4। तो सबसे पहले ये रूट लगा हुआ है दोस्तों, ये भी 125 भी रूट के अंदर आ रहे हैं, ये भी रूट के अंदर है, तो इसका अपन वर्गमूल निकाल लेते हैं। सबसे पहले रूट है, इसका रूट हटाए वर्गमूल आएगा, 225 का वर्गमूल कितना आएगा? 15 आएगा। इसी 15 को यहाँ प्लस कर देते हैं तो 5 ने 4 9 हो जाता है और 5 ने 1 6 हो जाता है 169, जिसका वर्गमूल कितना आता है? 13। 13 तेरह 169, इसी 13 को वर्गमूल यहाँ जोड़ देते हैं, काट दे गया एक, एक ने 2 और 1 121, 121 का वर्गमूल निकाले कितना आएगा? 11 आएगा। इसी 11 को यहाँ जोड़ दे तो 5 ने 1 6 3 36, 36 का वर्गमूल कितना आएगा दोस्तों? 6 आएगा। इसी 6 को यहाँ प्लस करा तो रूट में कितना? 16। 16 का वर्गमूल कितना है दोस्तों? 4। तो 4 किसी ऑप्शन में आ रहा है? बिल्कुल ये वाला डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन एक और देख लेते अपन, 225, फिर यहाँ पे भी 225 रूट में देगा, इसका वर्गमूल कितना होता है? 15। ये 15 को यहाँ जोड़ा तो कितना आएगा? 2। 5 ने 4 9 6 169, जिसका वर्गमूल कितना होता है? 13। 13 को यहाँ प्लस कर दिया तो 3 ने 2 5 2 6 5 1 15625, जिसका वर्गमूल कितना आएगा दोस्तों? 15625 का वर्गमूल कितना आएगा? देखो इसको वर्गमूल निकाल लेते अपन, 15625। तो देखो इसमें किसी बड़ी संख्या से लगा देते हैं, 5 से लगा देते हैं, 5 तेरी 15, 5 एक 5 15 10 5 5 25, फिर 5 अंक 30, 5 दून 10 5 5 25, तो 625 का वर्गमूल कितना आएगा? 25 25, तो 125 125 का राइट आंसर। इन दोनों का जोड़ा, 25 125 इधर राइट आंसर। थैंक यू दोस्तों।